नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कक्षा है एक और हमारा विषय है हिंदी। देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आम की टोकरी। ये आज हमारा पार्ट नंबर 8 है जो हमने किताब में से पढ़ा था। बच्चों, किताब में से हमने आम की टोकरी पढ़ा था जो पहले हमारा हो चुका है, लेकिन आज हम पाठ्य पुस्तक में से जो पढ़ा था हमने आम की टोकरी, आज हम वही स्वाध्याय पुस्तिका में से पढ़ रहे हैं। जो हमारी स्वाध्याय पुस्तिका है रिमझिम हिंदी कक्षा 1 की, जिसमें से हम आज पढ़ रहे हैं आम की टोकरी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बच्चों तो देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिया है, आम की टोकरी यह सुंदर क्या है, बाल गीते प्रेरणादायी गीत बच्चों को स्कूल जाने के लिए जागरूकता उत्पन्न करता है। आम की टोकरी देखिए, यहाँ पे आपको स्वाध्याय दिया है आम की टोकरी, गीत के प्रयोग हुए शब्दों के नीचे सही का प्रयोग न हुए शब्दों के नीचे गलत का निशान कीजिए। तो आपको यहाँ पे दिया गया है, वैसे ही आपको यहाँ पे शब्द ढूंढ कर, जैसे कि आपकी जो कविता थी आम की टोकरी, ये जो बालगीत था उसमें से जो शब्द आए हैं उसके नीचे क्या करना है आपको, सही करना है। जो शब्द नहीं आए उसके नीचे क्या करना है आपको, गलत का चिन्ह करना है। तो देखिए, आम तो आया है, छोकरी भी आया है, छोकरा नहीं आया है, टोकरी आई है, 6 आया है, 8 नहीं आया है, 10 आया है, गुलाबी आया है, नाम पूछना चूसना दिखा, ये सब शब्द आए हुए हैं। खाली 2-3 ही शब्द ऐसे हैं जो नहीं आए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको नंबर 2 का प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। तो लड़की कितने साल की है, 6 साल की। लड़की क्या भरकर लाई है, आम। टोकरी में क्या है, आम। लड़की क्या क्या दिखाकर हमें बुलाती है, टोकरी। लड़की क्या नहीं बताती, दाम। लड़की का क्या नहीं बुलाती है, लड़की क्या नहीं बुलाती है, नाम। तो यहाँ पे आपको दिया है, हमें क्या नहीं पूछना है, नाम। हमें क्या चूसना है, आम। हमें आम कैसे खाना चाहिए, तो आपको कैसे काट कर खाना है, चूस कर खाना है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा बच्चों कि आपको कैसे भाता है। तो आप काट कर भी लिख सकते हो, काट कर या चूस कर, है ना। तो देखिए, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन में आप लिख सकते हो, चूस कर खा सकते हो या आप काट कर भी आम को खा सकते हो। आगे देखिए, नंबर 3 पर है, निम्न अंक और शब्द पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पे एक, तो यहाँ पे एक करके आपको यहाँ पे क्या दिया है, देखिए बिंदुएं दी हैं, उस पर पेंसिल चलाते हुए आपको एक लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है बच्चों, जो बिंदुएं उसको जोड़ना बाकी हैं। आगे आपको यहाँ पे खुद खुद एक और एक ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे 2 दिए हैं आपको, तो 2 लिखने हैं। फिर है 3, तो 3 लिखने हैं आपको बच्चों। 4 लिखने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, वहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है आपको, जो शब्द यहाँ पे दिए हैं वो भी आपको वहाँ पे लिखने हैं। 5, फिर है 6, देखिए इस तरह से आपको शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, यानी अंकों को अच्छे से पढ़ना है और शब्दों को भी लिखना है। आगे देखते हैं, चौकन में दिए गए अक्षर जैसे अक्षर पर गोला कीजिए। देखिए, ये तो हमारा हो चुका है बच्चों, तो ये आपको जल्दी से आ जाएगा। आ पर और क पर आपको क्या करना है, गोला बनाना है। फिर आपको निम्न शब्दों में से चौकन में दिए गए अक्षरों को पहचान कर उस पर गोला कीजिए, यानी कि आ, तो आ पर आपको क्या करना है, गोला करना है। फिर क पे आपको गोला करना है। इस तरह से जो हमारा हो चुका है, आगे देखते हैं बच्चों। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपको यहाँ पे कोष्टक दिया हुआ है और आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हैं। लड़की 6 साल की है, लड़की टोकरी भरकर लाई है, लड़की हमें टोकरी दिखा दिखा बुलाती है, लड़की नाम नहीं बुलाती है, हमें आम चूसना है। इस तरह से आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भर दें। फिर आपको यहाँ पे जोड़ियाँ मिलाओ, यहाँ पे आपको जोड़ियाँ दी हैं, छोकरी लड़की, टोकरी डालियाँ, दाम कीमत, बुलाती यानी पुकारती। इस तरह से आपको जोड़ियाँ मिलानी है बच्चों। आगे है 8 नंबर पे आपको दिया है, आम से क्या क्या बनाया जा सकता है।
तो आम से हमें आम रस, अचार, चुंदा, शरबत हम बना सकते हैं बच्चों। आगे है नाउ तुकबंदी शब्द आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे तुकबंदी आपको बोली है करने के लिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया है, छोकरी टोकरी नौकरी, आम दाम नाम, पूछना चूसना झुकना, इस तरह से आपको तुकबंदी शब्द जो दिए हैं उसे बढ़ाने हैं आगे। निम्न पौधों पर फूल की गिनती करके बॉक्स में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे फूल कितने बच्चों, एक दो तीन। देखिए बच्चों तो यहाँ पे कितने फूल है, तीन फूल है, दिख रहे हैं ना आपको, तो आपको गिनकर यहाँ पे लिखना है। तो ये बॉक्स में तीन लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक दो तीन चार, कितने फूल है, चार फूल है। बाद में देखिए बच्चों यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, कितने हैं, छः फूल है, यहाँ पे छः लिखेंगे। ऐसे हैं एक और दो, यहाँ पे कितने हैं, एक और दो, और यहाँ पे देखिए बच्चों एक दो तीन चार पाँच, यानी यहाँ पे कितने फूल है, फिर पांच फूल है। तो देखिए बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे पौधों पर फूल की गिनती करके बॉक्स में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर है चार, पत्ते ही पत्ते। तो देखिए बच्चों जो इसमें है पाठ्यपुस्तक में है आपको पत्ते ही पत्ते, तो हमारा चैप्टर नंबर पत्ते ही पत्ते। यहाँ पे आपको दीदी बोली मैं पांच तक गिनूंगी, दीदी क्या बोली, मैं पांच तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। तो यहाँ पे दीदी क्या बोल रही है कि गिनती करने से पहले तुम गोला बनाकर बैठ जाओ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार गिनती कर रही दीदी, पांच बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। तो यहाँ पे क्या बोला है कि धड़ाम से बैठ गई, उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। आगे है देखिए बच्चों, दीदी आज दीदी पत्ते लेकर आई थी, आज दीदी क्या लेकर आई थी, पत्ते लेकर आई थी, कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते थे, हमने पत्तों को अच्छे से देखा, कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, एकदम गोल, कुछ छोटे कुछ बड़े थे, यानी कि पत्तों के आकार एक जैसे होते हैं क्या बच्चों, नहीं, वो अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं, जैसे कि गोल लंबे छोटे बड़े इस तरह से। एक था लाल, अभी पत्तों के रंग भी देखिए बच्चों, एक था लाल, एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था, एक पत्ते पर नसें दिख रही थी, एक पत्ता कतरीला था, एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, एक पत्ता झालर वाला था, और एक पत्ता कैसा था, झालर वाला था। हमने पत्तों को छूकर देखा, हमने क्या किया, पत्तों को छूकर देखा, कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा, तो कुछ पत्ते बदनवार जैसे लग रहे थे, बदनवार ने जैसे लग रहे थे, जैसे कि यहाँ पे पत्ते आपको दिखाई दे रहे वैसे। तो देखिए बच्चों अब करने की बारी, बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा आपस में बात करो, अपने आप आसपास के तरह तरह की पत्तियाँ इकट्ठी करो, इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ, नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। तो यहाँ पे आपको जगह दी है पाठ्यपुस्तक में, वहाँ पे आपको क्या बोला है कि आप कहीं बगीचे में जाओ, वहाँ से पत्ते इकट्ठा करो और कैसे लगते हैं आपस में बातें करो और अपने आसपास की तरह पत्तियाँ इकट्ठी करो और उसे पत्तियाँ कागज पर चिपकाओ, यानी कि आपके यहाँ कागज होता है उस पर चिपकाओ। फिर नीचे यहाँ पे आपको दिया है कोरा पेज, वहाँ पे आपको तरह तरह के पत्तियों के चित्र बनाने हैं, जैसे पत्तियों के चित्र होते हैं। तो यहाँ पे आपको पत्ते का पटाका बोला है, देखिए बच्चों पत्ते का पटाका भी हम बना सकते हैं। समान एक पत्ता बनाने का तरीका, एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो, अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो, तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी। तो आपको यहाँ पे तरीका बताया गया है, देखो यहाँ पे मुट्ठी पे पत्ता रखा है, फिर उन्होंने कसके उस पर वार किया है, तो जैसे कि गुब्बारा फटने जैसी आवाज़ होगी, जानो। पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो, अब हाथ पे वार करो, क्या पटाखे जैसा आवाज़ आई,
तो ऐसे करने से आपको क्या होता है ये आपको बताया गया है बच्चों। तो देखिए ये हम स्वाध्याय पुस्तिका में से देख रहे हैं, वो हम पाठ्य पुस्तक में से पढ़े हैं। अब हम स्वाध्याय पुस्तक में उसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे बच्चों। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है, स्वाध्याय दिया है, निम्न शब्दों में से पाठ में प्रयुक्त शब्दों के नीचे सही का और प्रयुक्त हुए शब्दों के नीचे गलत का निशान कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे निशान बोले हैं जो आपके जो हमें अभी पत्ते ही पत्ते पड़े उसमें जो शब्द है उसके नीचे सही का करना है, जो नहीं आए उसके गलत का निशान लगाना है। देखिए बच्चों यहाँ पे नींबू आया क्या? नहीं। पत्ते पत्ते आया तो सही किया, पाँच आए। छह नहीं आए, दौड़ी भी आया है, धड़ाम भी आया है, गोला, मुलायम, खुरदरा, बदनवार, झालर, डंठल, कतरीला, टमाटर नहीं आया, सेब भी नहीं आया, केला, कार, दीदी आया है। इस तरह के शब्द जो आए उसके सही करना है, जो नहीं आए वहाँ पे गलत करना है। नंबर दो, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं पाँच तक गिनूंगी कौन बोला? दीदी बोली। दीदी ने क्या बनाकर बैठने के लिए कहा? गोला। पाँच बोलने से पहले ही कौन दौड़कर धड़ाम से बैठ गई? पाँच वो जो लड़कियों को वो बोल रही थी वो जाकर बैठ गई। आज दीदी क्या लेकर आई थी? पत्ते। मैं कैसे बैठ गई? धड़ाम। वो कैसे बैठ गई? धड़ाम से। फिर आपको यहाँ पे निम्न शब्दों में से चौकन के दिए गए अक्षरों पे गोला कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे शब्द दिए हैं उस तरह से हमारा हो चुका है, आपको पता चल जाएगा कि आपको ऐसे गोला करना है। फिर कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए हैं। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ, तो यहाँ पे गोला आएगा। हम सब गोला बनाकर बैठ गए। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। केले लेके आई थी पत्ते, तो पत्ते लेकर आई थी। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। हमने क्या देखा? फलों को या पत्तों को? तो पत्तों को हमने देखा। कुछ पत्ते लंबे और कुछ एकदम गोल थे। कैसे थे? सीधे थे या गोल थे? गोल थे। कुछ पत्ते छोटे और कुछ बड़े थे। एक पत्ता लाल था और एक पीला और कत्थई रंग का था। लड़का या पत्ता? तो पत्ता ही आएगा, लड़का थोड़ी आएगा वहाँ पे। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। नसें मक्खियाँ या नसें? तो नसें दिख रही थी। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको यहाँ पे दिया है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। कतरीला पत्ता तो देखिए सीधा दंड वाला पत्ता, तो ये रहा झालर वाला पत्ता, और बंधनवार जैसे पत्ते। इस तरह से हमें पत्ते दिए हैं, उसकी जोड़ियाँ मिलानी थी जो हमने मिला ली हैं। देखिए बच्चों कतरीला पत्ता तो ये रहा, सीधा दंड वाला पत्ता ये, झालर वाला पत्ता और बदनवार जैसे पत्ते यानी कि ये पत्ते। तो इस तरह से आपको क्या करनी है? जोड़ियाँ मिलानी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दिया है निम्न अर्थों को उनके शब्दों के साथ जोड़िए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हैं, उनके अर्थ वाले शब्दों के साथ आपको जोड़ना है। कटी हुई डिज़ाइन वाला पत्ता तो कतरीला, झालर जैसा पत्ता तो झालर वाला, तोरण जैसा पत्ता तो बंधनवार जैसा। फिर है दुद्दू नाजुक जैसा पत्ता तो मुलायम, राता रक्त रंगी पत्ता यानी लाल, पित्त रंगी पत्ता यानी पीला। इस तरह से आपको क्या करना है? उचित जोड़ियाँ मिलानी है। आपको यहाँ पे क्या बोला है देखिए बच्चों, ये पूरा करना है आपको। मैं बता रही हूँ कि जो 7 नंबर का प्रश्न है हमारा, तरह तरह के पत्ते चिपकाए उनके पेड़ पौधों के नाम लिखो। तो यहाँ पे जो जिसका पत्ता है नीम का पत्ता आप चिपका रहे हो तो उसका नाम नीम यहाँ पे लिखना होगा। आपका बरगद का पेड़ के पत्ते का पत्ता चिपका रहे हो तो बरगद के पेड़ का जो नाम है वहाँ पे आना चाहिए। जैसे आप कोई भी पत्ता आपको यहाँ पे चिपकाना है उसके नाम आपको यहाँ पे लिखने होंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 और 4 यहाँ पे हमने ले लिया था, जो हमारे पार्ट नंबर 8 में आया है। चैप्टर नंबर 3 और 4 आम की टोकरी और पत्ते ही पत्ते, जो आपको क्या करना है बच्चों, ये आपके स्वाध्याय पुस्तिका में आपको जो मैं PDF के द्वारा आपको भेजूंगी वो सब प्रश्नों के उत्तर आपको आपके स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने हैं और आपको अच्छे से पढ़ने भी है। और पाठ्य पुस्तक में आपको जो मैंने पाठ पढ़ा है वो अच्छे से पहले पढ़ लेने हैं। आपको समझ में आ गया बच्चों? तो देखिए यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 8 पूरा हुआ बच्चों। जय गायत्री। सो थैंक यू।